नमस्कार जी। आज मैं घर पे आया था तो आज क्या है ना, आज मेरे व्हील से अचानक से पत्थर वाला रास्ता था, वहां से मैं निकला हूँ तो पता नहीं है अजीब टाइप की चू चू की आवाज करने लगा और कंटिन्यूस कर ही रहा था। फिर तो मैं एक जगह पे मैंने बैक किया और खट की आवाज आई और वो बंद हो गया। अभी वो सही चल रहा है तो अभी चेक करेंगे कहीं नट वट तो इधर नहीं हुआ, वो इस व्हील में हुआ है। 100% मेरे को लग रहा है कि जो ब्रेक शू है अपना चिपक रहा था और जब मैंने रिवर्स मारा है तो वो फिर खुल गया है, या फिर जो पिन होती है जो उसको स्प्रिंग का काम करती है उसमें शायद ग्रीसिंग का सूखने वाली प्रॉब्लम आ गई। तो अभी सोच रहा हूँ चेक कर लूँ, वहाँ पे कुछ है नहीं और चेक इंजन भी लाइट आई थी तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना रहा। वैसे मेरे को सब कुछ सही लग रहा है डिस्क ब्रेक, पर फिर भी मैं सबसे पहले इस टायर को खोल लूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं तो मैं आपको सीधे स्किप करके दिखाऊंगा, ना स्टैंड है ना माइक है, कुछ भी नहीं है। आज मैंने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई, आज 120 के ऊपर चलाई थी, मेरे को घर में काम था, बहुत चलाया, बहुत तेज़ गाड़ी चलाया, तो मैंने कभी नहीं इतना तेज़ चलाया। आज भाई साहब की गाड़ी का जैक अनबॉक्सिंग करेंगे, 1 साल गाड़ी को हो गया आज तक जैक नहीं खुला। क्या है ना, एक्चुअल में मैं इसको सपोर्ट देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं ना, ये थोड़ा सा तिरछा उछा हो गया तो फिर दिक्कत होगी, तो मैं इसे लगा लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। भूल ही गया, जैक की अनबॉक्सिंग, जैक की देख रहे हो आप, ग्रीस तक नहीं निकली, ये देखो ग्रीस लगी हुई अभी, बिल्कुल न्यू ब्रांड है। आप एक देखो, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत कम चलती है तो ना यहाँ पे देखो ना रस्ट होता है वो लगा हुआ है, का मतलब ये है यहाँ पे गाड़ी स्टे रखी है बहुत दिनों तक, इसलिए इसमें रस्ट लग गया, बाकी तो ठीक ही है। और समस्या मेरे को मिल गई है, जो अपना पिनियन है ना इसमें ग्रीसिंग जो है वो सूख गई, इसके कारण से आवाज़ आने लगी, इसमें ग्रीसिंग तो करानी ही पड़ेगी। मैं एक्चुअल में इसलिए इसको खोला था कि मेरे कोई नट बोल्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो नट बोल्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और डम्पर तो बिल्कुल सही कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल एक नंबर की कंडीशन। बॉल जॉइंट्स भी आप देख लें, ये क्रैक हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, शायद ये प्रॉब्लम ना करे बाद में जाके, क्योंकि ये क्रैक हो रहा है, आप ध्यान से देखो, ये देखो आप क्रैक हो रहा है, बाकी तो ओवरऑल सब कुछ ठीक ही है। नीचे वाला तो बिल्कुल, बॉल जॉइंट बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं, यही सबसे मेन बॉल जॉइंट होता है, अगर ये टूट गया ना तो फिर आपकी गाड़ी एक एक इंच नहीं है, तो यही देखना था, बाकी तो सही सही है। ब्रेक शू तो है, ये इसी की प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, इसका ग्रीस जो है वो सूख गया है तो ये मेरे को बदलवाना पड़ेगा। ये पता नहीं कैसे चिपक गया, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कभी कभी होता है ऐसा, होना नहीं चाहिए। देखते हैं अभी किसी मैकेनिक को ले जाएंगे तो ग्रीसिंग कराएंगे, नहीं तो आपके लिए स्पेशल वीडियो भी बना देंगे इसके लिए। अभी बना सकता हूँ, अभी तो खोला हूँ, अभी बना सकता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है ना कि ग्रीस नहीं है ना पूरे इक्विपमेंट, नहीं तो जब काम करो तो अच्छे से करो, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं। अभी तो राइट है, अभी सबको बाइंड अप करते हैं, इसको बंद बंद करते हैं, अभी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये चलो उसमें थोड़ी सी गैप आ गई है पर हो गया, इससे काम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे मेन क्या है ना कि आवाज़ आ रही थी तो मेरे को देखना था क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम मिल गई यहाँ पे है प्रॉब्लम, ये चिपक गया था, जैसे मैंने रिवर्स लिया ना तो धक्का लगा उसको तो वो पीछे की ओर हो गया, अभी नॉर्मल काम कर रहा है, आगे जाके ग्रीसिंग करा दूंगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में मेरे को जाके प्रॉब्लम करेगा, शायद आपके साथ भी हो। मेन क्या है ना, कंफर्म करना था कि कोई नट वट तो ढीला नहीं हो गया, पता चला ब्रेक मार दे, और ये मेरे को शक नहीं होता, ये मेरे पिताजी बोले कि यार देख लो कहीं नट वट की दिक्कत तो नहीं है, तो मैंने कहा कि हाँ देख लेता हूँ, शायद अगर ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो सकती। बड़ी बात क्या थी, मेरे को कैसे पता चला कि अपने डिस्क रोटर से प्रॉब्लम थी, अपना डिस्क ही आवाज कर रहा था, जब मैं ब्रेक मार रहा था तो चिपक जाता था तो आवाज बंद हो जाती, जैसे ही छोड़ता था फिर से आवाज आने लगती थी, तो इसके कारण से ये पता चला कि ये डिस्क में प्रॉब्लम है। रीसर्विस हमारे इधर लोकल में कसम से मैं दिमाग खराब है, कुछ नहीं होता अच्छे ढंग से, वैसे रीसर्फेस कराने लायक है मेरा, मतलब तो काफी लाइनें हैं, लाइनें नहीं होनी चाहिए। अप कर दिया है, लगा दिया है टायर, आपके भी अगर टायर से खिरखिर ऐसा लगे कि मेटल टू मेटल की आवाज़ आ रही है, जैसे फिसल रहा हो मेटल, समझ जाओ कि ग्रीसिंग की प्रॉब्लम है उसमें पिन में, उसको आप करवा लेना, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार काम हो ही, इंडिकेशन भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने बता दिया कि मेरी गाड़ी में कैसा इंडिकेशन है, तो मैं जैसे ही जाऊँगा तो या तो मैं खुद कर लूँगा या फिर किसी मैकेनिक से करा लूँगा अगर टाइम रहेगा तो। ये क्या है ना कि टायर खोलने वाले काम वर्थ इट नहीं रहते, बहुत मेहनत लग जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है ना और अपने को मेहनत कम लगती है, टायर वाले में क्या है ना कि मेहनत ज़्यादा है और पैसे आप कम बचा पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम, देखते हैं अगर होगा तो मैं ही कर दूंगा, ऐसी बात नहीं।
बस कुछ नहीं, ग्रीसिंग की प्रॉब्लम है। वो जैसे ही पीछे की ओर आई गाड़ी तो उसमें धक्का लगा तो फिर से वापस चला गया। अभी वो काम कर रहा है, आगे जाके फिर से वो मेरे को परेशान करेगा। अब यही है कि काम हो जाता तो यहाँ से रेस्ट मिल जाता, जाऊँगा ध्यान दे के जाना पड़ेगा, धीमे धीमे गाड़ी लेके जाऊँगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो में सोल्यूशन ही हो, कभी कभी डिटेक्ट करना भी ज़रूरी होता है क्या प्रॉब्लम क्या है।